आज हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, यानी समानांतर धरती के बारे में। हम आज कुछ टिप्पणी पर बात करेंगे। भारत जैसे देश में जहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। समानांतर ब्रह्मांड क्या है? जब आप कोई एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या साइंस फिक्शन पर आधारित किताबें पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र भी आता है। कई बार यह भी माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड और मौजूद है जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है। जैसा कि यहां हमारी पृथ्वी पर है, ठीक ऐसा ही वहां पर भी हो रहा होता है। ज़्यादातर वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड की बात को नकारते हैं, लेकिन कहीं हैं जो इस सिद्धांत को मानते भी हैं एवं इस पर शोध भी कर रहे हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ कहीं पृथ्वी जैसे ग्रह मिले हैं। कहीं खगोल वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर जीवन है या नहीं है, फिर जीवन होने की कितनी संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं जहां अनगिनत तारे, सौरमंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं। यह अनुमान लगाया गया कि जैसे पृथ्वी पर हालात हैं और घटनाएँ घटित होती हैं, उसी प्रकार समानांतर ब्रह्मांड में भी किसी अन्य ग्रह पर इसी प्रकार की घटनाएँ हो रही होंगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण यह बिंदु बढ़ता गया और 3 आयामों में फैलता गया, जिस रूप में आज हम ब्रह्मांड को विद्यमान है, फिर तारे, आकाशगंगा, ग्रह आदि का सब निर्माण हुआ। इसके आधार पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं? हमारे पास आज की जो तकनीक है उसके आधार पर यह सब खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। कई खगोल वैज्ञानिक आज भी इस पर शोध पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार परजीवी ग्रह के प्राणी से संपर्क साधा जाए। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रकाश की तीव्र गति होने के कारण हम एक सीमा के अनुसार ही चीज़ें देख पाते हैं, अतः ज़्यादा चीज़ें हमें दृश्य से परे हैं। जब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना हुई थी, ठीक उसी समय से प्रकाश का प्रवाहन शुरू हुआ। अतः 13.7 अरब प्रकाश वर्ष के बाद क्या है, उससे पहले क्या हुआ, ये कोई भी नहीं जानता। अंतरिक्ष से जिस भाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें, उसको हम कहते हैं हब्बल वॉल्यूम कहा जाता है उसको, और इस भाग पर शोध चालू है। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ टूटकर नए ब्रह्मांड बन गए, या फिर कभी दो ब्रह्मांड के टकराव से एक नया ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं और दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान घटना घट रही हो। इस कॉन्सेप्ट के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड के का मतलब क्या है? एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसी पृथ्वी हो, हमारे जैसे ही सूरज हो और हमारे जैसे ही लोग हों। हमारे जैसे ही लोग होने का मतलब है, अगर हमारी पृथ्वी पर कोई चंदन नाम का इंसान है तो उस पैरेलल यूनिवर्स में भी वो इंसान होगा जिसका नाम भी चंदन होगा। यानी कि वो सभी लोग वहाँ होंगे जो इस वक्त हमारी पृथ्वी पर है, वो सभी चीज़ें वहाँ होगी जो यहाँ पर हैं, और उनमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस पृथ्वी पर चंदन नाम का कोई इंसान है तो वो वहाँ भी होगा। बस फर्क इतना हो सकता है कि अगर वो इंसान यहाँ पर इंजीनियर है तो शायद वहाँ पर वो कुछ और होगा। ऐसे अनगिनत यानी पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं, और वहाँ पर अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में अनगिनत हमारे जैसी पृथ्वी हो सकती है। उन सभी पैरेलल यूनिवर्स में चंदन नाम का इंसान होगा, और उस इंसान में अपनी दुनिया के अनुसार कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। पैरेलल यूनिवर्स पर कई सारे थ्योरीज भरे हैं। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स की जो 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ये घटना असल में 20 अक्टूबर 1969 की है। दो लोग कार लेकर हाईवे 167 से लापटी नाम की एक जगह है वहाँ से जा रहे थे। वे लोग जिस हाईवे से जा रहे थे वे बिल्कुल शांत था, और उन्हें दूर दूर तक कोई दूसरी कार या फिर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और आगे उन्हें एक और कार जाती हुई दिखाई दी। उन लोगों ने अपनी कार की स्पीड और बढ़ाई ताकि वो अपने आगे वाली कार के पास पहुंच सके। उस कार को देखकर
ये दोनों हैरान हो गए क्योंकि उस कार का जो मॉडल उन्हें कुछ पुराने जमाने का लग रहा था, जो शायद उस समय बनता भी नहीं था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने यह देखा कि उस कार के लाइसेंस प्लेट का जो साल था 1940 प्रिंट किया हुआ था, और जिस समय यह घटना हुई थी वह साल 1970 का था। ये सब और अजीब हो गया जब उन लोगों ने उस कार के ड्राइवर को देखा। उस कार को एक यंग लड़की चला रही थी और पीछे पैसेंजर सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था। उस लड़की के कपड़े भी उस समय के नहीं लग रहे थे, वो काफ़ी ओल्ड फैशन के थे। वो लड़की कंफ्यूज और डरी हुई सी लग रही थी। वो लगातार बस इधर उधर देख रही थी। यह सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की से पूछा कि क्या आप उसे कुछ मदद चाहिए, तो उस लड़की ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। और फिर उन लोगों ने उस लड़की को अपनी कार साइड में रोकने को कहा। उस लड़की के कार साइड में रोकने के बाद उन लोगों ने भी अपनी कार को थोड़ा आगे जाकर रोका। फिर जैसे ही वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो कार और वो दोनों लड़की और बच्चा वहाँ नहीं थी। ये सब देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई धोखा हुआ है। पर यह चीज़ और अजीब हो गई जब पीछे से एक दूसरी कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर पूछा कि वो पुराने मॉडल की कार कहाँ गई, गायब हो गई। फिर उन दोनों को यकीन हो गया कि उन्होंने जो देखा वो सब सच था। तो वो लड़की आखिर कौन थी? क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में गलती से आ गई थी? जो उसकी दुनिया पैरेलल यूनिवर्स से हम लोग का दुनिया का समय में थोड़ा आगे है। शायद वो लड़की इसलिए ही इतना कंफ्यूज और परेशान दिख रही थी क्योंकि वो किसी ऐसी दुनिया में आ गई थी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं बता सकता, पर यह घटना जिसके साथ हुई है वो इसे सच मानते हैं। ब्रह्मांड में आप अकेले नहीं हैं, आपके अरबों रूप एक साथ अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह पर भी जीवन की संभावना है, तो आप में से बहुत से लोग मुझसे सहमत होंगे और मानते होंगे कि हाँ, ब्रह्मांड की कहीं गैलेक्सियां में एलियन लाइफ होने की बहुत संभावना है। पर अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड में जैसे और कहीं ब्रह्मांड होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स की। लेकिन इससे भी आगे क्या होगा अगर आपको पता चले कि ऐसे भी ब्रह्मांड हैं जहाँ पर हमारी आकाशगंगा जैसी है। आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी और आप जैसे ही एक और प्रतिरूप हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, जिसका जीवन भी आपका जैसे ही है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे समानांतर ब्रह्मांड की। साल 1954 में वैज्ञानिक हायक अवरेट थ्री ने पहली बार समानांतर ब्रह्मांड के विचार को बताया था। उन्हें कहा कि हमारी तरह और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। एवरेट की इस थ्योरी को नकार दिया गया था। बाद में सैद्धांतिक वैज्ञानिक मैक्स टेगमार्ग ने क्वांटम सुसाइड यानी कब जो प्रयोग किया, तब इस थ्योरी को लोगों ने गंभीरता से लिया। महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस ने समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को भी माना था। उनकी मृत्यु से पहले एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जिसके ऊपर समानांतर ब्रह्मांड के में लिखा था, उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। आगे चलकर पता चल जाएगा कि हमारे जैसे कहीं और ब्रह्मांड भी अस्तित्व में है। उनके द्वारा दिया गया एक मैसेज था, वी आर नॉट डाउन टू सिंगल यूनिक यूनिवर्स बट आवर फाइंडिंग इम्पली ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द मल्टीवर्स टू मच स्मॉलर रेंज ऑफ द पॉसिबल यूनिवर्सिज। कुछ थ्योरी है जो कि बताती हैं कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा एक ब्रह्मांड नहीं। अब तक हम नहीं जानते कि अंतरिक्ष का आकार क्या है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार इसका आकार फ्लैट यानी सपाट है और ये अंतरिक्ष अनंत है। अगर ये अंतरिक्ष अनंत है तो हमारे ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड होंगे जो हमारे ब्रह्मांड के बाद हो। इस ब्रह्मांड में भी हमारे ब्रह्मांड की तरह बिल्कुल आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे होंगे। और अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड खुद को पुनरावृत्ति रिपीट करता है, मतलब कि सदा ब्रह्मांड की रेखाएं होंगी। बबल यूनिवर्स, एक थ्योरी के अनुसार मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक बड़े बुलबुले के अंदर है। अंतरिक्ष में इस तरह के बहुत बुलबुले हैं जिसके अंदर कहीं और ब्रह्मांड भी आए हुए हैं, जहाँ पर भौतिक के नियम यानी लॉ ऑफ फिजिक्स अलग होंगे। पैरेलल यूनिवर्स, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी की, ना कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है
कि अंतरिक्ष अनंत है और बहुत सारे ब्रह्मांड होंगे। इसका मतलब कि इतने संभावित अलग अलग तरह के ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष अनंत होने की वजह से इससे भी ज़्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसका मतलब कि वो हमारे ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप होगा, जहाँ पर हमारी दूसरी संभावनाएं घटित हो रही होंगी। इस थ्योरी के आधार पर कहीं ऐसे ब्रह्मांड भी होंगे जहाँ सिर्फ एक कण का बदलाव होगा, जहाँ पर सिर्फ दो कण का बदलाव होगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपका यूनिवर्स यूनिक है? अगर साइंस फिक्शन टू साइंस फैक्ट की माने तो हमारे यूनिवर्स के साथ ही अनेक ऐसे यूनिवर्स हैं जो इसके पहले एग्जिस्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है, इन्फिनिट यूनिवर्सेज। हमारे यूनिवर्स की शेप कैसी है, इस पर बात आज भी कयास लगाए जा रही है। कुछ लोगों के अनुसार ये फ्लैट है तो कुछ के अनुसार ये बढ़ता रहता है। इस तरह की थ्योरी इस अवधारणा को मजबूत करती है कि वास्तव में एक नहीं कई यूनिवर्सेज हैं। यहीं पर दिमाग में एक और बात आती है कि शायद यूनिवर्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। अगर इसे ब्रह्मांड में देखा जाए तो नेटवर्क ऑफ बबल यूनिवर्सेज ऑफ स्पेस की तरह दिखेगा। अब जब ये सभी यूनिवर्सेज आपस में लिंक नहीं है तो इसके डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स एक दूसरे को इनसे अलग करते हैं। डॉटर यूनिवर्सेज, इनके अनुसार मल्टीपल यूनिवर्सेज एक थ्योरी की फॉलो करते हैं। मैथमेटिकल यूनिवर्सेज, अगर इस थ्योरी की माने तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में यूनिवर्सेज के अनुसार बदलाव होता रहता है। स्ट्रक्चर ह्यूमन बैगेज से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती हैं। पैलर यूनिवर्स, इनकी माने तो यूनिवर्स पूरी तरह फ्लैट है और यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ द कॉस्मिक पैथेज हैं जो खुद को रिपीट करते रहते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर इन्फिनिट मनी पैलर यूनिवर्स हैं। इस सब यूनिवर्स के कॉस्मिक पैच बिल्कुल समान हैं। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है क्योंकि फिजिक्स स्टीफन हॉकिंग्स लास्ट पेपर जो कि उनकी मौत से ठीक पहले का जो आर्टिकल था उसमें इस बारे में बताया गया था, और जहाँ इतने सारे लोगों ने पहले यूनिवर्स थ्योरी को एग्री किया है वहीं इसके खिलाफ भी कहीं कयास मिले हैं। हर कोई इस तरह की थ्योरी को लेकर सहमत नहीं है। एक बार को हम इन सब पॉसिबिलिटीज को साइड में भी रखें तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का क्या? हमारे लिए एक निर्णय के आउटकम जितना बताया गया उससे कहीं ज़्यादा फास्ट निकलते हैं और बदलते रहते हैं। यही एक वजह काफ़ी है जो पहले यूनिवर्स की थ्योरी को काफ़ी बड़ी चुनौती देती है। सीगल का मानना है कि हमें अपने उस निर्णय पर काम करना चाहिए जिसे करने के बाद हमारे मन में किसी तरह का रिग्रेट न हो। इसकी वजह है कि हम यूनिक हैं और हमारी कोई अल्टरनेटिव रियलिटी नहीं है। ऐसी बहुत ही हॉलीवुड मूवी हैं जिन्हें यूज ऑफ पहले यूनिवर्स इन साइंस फिक्शन को अच्छे से दर्शाया है, जिसमें आप देख सकते हैं मूवी पे। और ऐसे कहीं गेम हैं जिसमें समानांतर ब्रह्मांड को दिखाया गया है। अगर आपको स्टार ट्रेक याद है तो मिरर यूनिवर्स का तो आपको पता ही होगा। इसमें अल्टरनेटिव यूनिवर्स को बेहद खास तरीके से फिल्माया गया है। अब मैं आपको द मिस्ट्री मैन फ्रॉम द ट्रूथ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात सन 1954 की है जब टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा था कि अचानक उसे उसकी नेशनलिटी की पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन में ले जाया जाता है। वह व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा था, जिसके अलावा उसे जापानीज भी आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके पासपोर्ट को देखकर भी लग रहा था कि ये वैधानिक है, लेकिन एक बात अजीब थी और वो थी उस पासपोर्ट में इशू करने वाली कंट्री जो कि ट्रॉड के नाम से थी। एयरपोर्ट इंट्रोगेटर्स ने जब उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप में उसकी कंट्री को पॉइंट करने को कहा तो उसने एंड्रा जो कि एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द फ्रेंच एंड स्पेन में पढ़ता था उसे पॉइंट किया। उस व्यक्ति से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया वो बिजनेस के काम से जापान गया था। ड्राइवर्स लाइसेंस एंड चेकबुक दोनों ही देखने और समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि वे टॉड नाम की कंट्री से इशू किए गए थे। जब कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला तब उस व्यक्ति को पास के एक होटल में रहने का फैसला लिया गया। टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स उस कमरे के बाहर गार्ड की तरह
पूरी रात रहे, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अगली सुबह लोगों ने पाया कि वो मिस्ट्रियस मैन बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गया, मानो था ही नहीं। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में एक घटना और आपको मैं बताना चाहूँगा। भारत के नैनीताल शहर, जो कि एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर 1965 में एक ऐसी घटना घटी थी। ये घटना बसु भोनोट नाम के 33 साल के व्यक्ति के साथ घटित हुई थी। एक दिन वासु ने अपने अंकल के यहाँ जाने का प्लान किया। उसके अंकल का गांव सटराली कोई नाम जगह है का गांव, जो कि 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम नैनीताल। 13 अक्टूबर 1965 को जब वासु अपने घर से अंकल के यहाँ जाने को निकला, तब वो काफ़ी थका हुआ था। उसके अंकल के गांव से कुछ ही दूरी पर वासु को एक घने कोहरे का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाके में इस तरह के घनी धुंध का सामना होना आम बात है, इसलिए वासु ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस घने कोहरे को पार कर जैसे ही वासु अपने अंकल के गांव पहुंचा, वो हैरान रह गया। वो गांव उसके अंकल के गांव की तरह ही था, लेकिन मानो पूरी तरह बदला बदला सा लग रहा था। उसकी हैरानी तब बढ़ी जब उसने देखा कि गांव के पास में जो दो नदी हैं बहती थी, वो अब नहीं है। उसने बचपन से लेकर पिछले साल तक हर बार जब भी वो अंकल के यहाँ विजिट की, उसे वो नदी दिखाई दी। एक ही साल में नदी का इस तरह गायब हो जाना वाकई में हैरान कर देने वाला था, लेकिन अपने अंकल से मिलने की जल्दी में उसने इस बात पर न तो ध्यान दिया और न ही किसी से पूछा। उसे इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब वो अपने अंकल के घर पर पहुंचा। हैरान कर देने वाला अनुभव था। उसके अंकल के घर के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वो उसका अंकल नहीं था, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वे वहाँ पर पिछले 20 साल से रह रहा था। उसने गाँव वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति सच कह रहा है और वही रह रहा है 20 साल से। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने वासु को बताया कि उसके अंकल और उसकी फैमिली 20 साल पहले ही आग में जलकर मर गई थी। वासु ने अब पुलिस की मदद लेने की सोची और अगले दिन ही वो अपने गांव वापस आकर अपने पिता और पुलिस के साथ वापस सटराली गांव पहुंचा। इस बार अंकल के गांव से पहले उसने किसी तरह की धुंध को नहीं देखा, और अंकल के गांव के पास बहने वाली नदी अब ऐसी बह रही थी। अंकल के घर पहुंचा तो वहां पर वासु के अंकल ही मिले। गांव वालों ने बताया कि वासु तो कल उनके गांव आया ही नहीं था, ये सब वासु का समझ से परे था। वहीं सभी सोच रहे थे कि वासु की दिमाग की हालत बैलेंस से नहीं है। वासु का अनुभव कितना सही है कितना नहीं ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह के केसेस और पैरेलल यूनिवर्स आज भी लोगों के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। जिस डेंसी फॉग को वासु ने पहली बार देखा वो शायद किसी तरह का पोर्टल टू पैरेलल यूनिवर्स होगी। वासु ने एक ऐसे डायमेंशन में दिन बिताया होगा जो कि उसके अंकल के गांव की तरह था, लेकिन किसी और स्थिति में। अब मैं आपको एक ऐसी घाटी का जिक्र करने वाला हूँ, आप ये शायद आपने सुना ही होगा, जहाँ पर उम्र मानो ठहर जाती है। सिद्धाश्रम, जिसे संगरीला घाटी के नाम से दुनिया जानती है, ये हमारी ही दुनिया के फोर्थ डायमेंशन का सबसे बड़ा अनुभव है। अध्यात्म में सिद्धाश्रम, जो कि हिमालय की वादियों में कहीं स्थिति है, काफ़ी जिक्र है, और आज भी हम हजारों सालों से साधु संत वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के अनुभव को भी किनारा नहीं किया जा सकता है। आज तक ऐसे कई अनुभव इंटरनेट पर शेयर किए जा चुके हैं, जहां पर लोगों ने टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेटिव रियलिटी या फिर स्पिरिट वर्ल्ड का अनुभव किया है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।